पश्चिमी यूपी के मुस्लिम राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाने वाले इमरान मसूद बसपा से निकाले जाने के बाद इन दिनों फिर से कांग्रेस पार्टी के जरिए घर वापसी करने जा रहे हैं। वो 7 अक्टूबर को अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इसकी पुष्टि खुद इमरान मसूद ने की। उन्होंने बताया कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सपा में जाकर संतुष्ट थे, लेकिन हमारी दाल ज्यादा नहीं गल पाई। इसके बावजूद हमारी समर्थकों का बहुत दबाव था। इसके बाद हमने पार्टी छोड़ दी, फिर बसपा में आ गए। उस पार्टी ने हमें खुद ही निष्कासित कर दिया, तो मैं अपनी पुरानी पार्टी में वापस जा रहा हूँ। कांग्रेस का काफी अच्छा भविष्य है, पार्टी को मजबूत करूंगा। अगर पार्टी टिकट देगी तो देखा जाएगा। अभी 7 अक्टूबर को अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 से पहले इमरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली प्रदेश प्रभारी का पद छोड़कर सपा में चले गए थे, लेकिन वहां उन्हें या उनके किसी साथी को टिकट नहीं दिया गया। इसके चलते इमरान का सपा से मोह भंग हो गया और वो बसपा में चले गए। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि चुनाव के बाद बसपा ने उनकी भाभी को मेयर का टिकट दिया, लेकिन वो हार गई। पिछले दिनों उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की तो बसपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब वो फिर से कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं। बसपा ने उन्हें पूरा सम्मान दिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर तक बनाया। जब इमरान ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को देश का असली हीरो बता दिया तो बसपा ने इमरान को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद अपने नए ठिकाने की तलाश के लिए इमरान जुट गए। अब वो फिर से एक बार अपने पुराने घर कांग्रेस में वापसी करने जा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इमरान मसूद की कांग्रेस में आने के बाद लोकसभा चुनाव में असर तो पड़ सकता है। उनकी मुस्लिम समाज पर मजबूत पकड़ है। कांग्रेस पहले से इंडिया गठबंधन में शामिल है। यदि इमरान को लोकसभा चुनाव का टिकट मिलता है तो वो मुस्लिम वोटरों को साधने में कामयाब हो सकते हैं। इमरान इससे पहले भी 3 बार सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि कामयाबी नहीं मिली। उनके लड़ने से भाजपा को टक्कर जरूर मिल सकती, यानी अब कांग्रेस को बस ये तय करना है कि इमरान को कहां से मैदान में उतारना है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।